वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्सपेंशन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्सपेंशन इन साउथ ईस्ट एशिया। इंट्रोडक्शन। ड्यू टू इट्स लोकेशन इंडिया वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन मरीन टाइम ट्रेड इन पर्शियन गल्फ एंड साउथ चाइना सी रीजन ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। जो इंडिया का लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था मरीन टाइम ट्रेड में, जो गल्फ और पर्शिया और साउथ चाइना के सी के थ्रू हुआ जाता था और जो कि अर्ली मिडिवल पीरियड में हुआ जाता था। इंडिया वॉज सीन एज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ट्रेड एज इट इज़ कनेक्टेड थ्रू एंशियंट स्पाइस एंड सिल्क ट्रेड रूट्स। अब इंडिया जो था वो पॉपुलर था अपने स्पाइसेस के लिए और सिल्क ट्रेड रूट्स के लिए, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्रेड हुआ करता था। देर आर मच एविडेंस फॉर ट्रेड एंड कमर्शियल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एज शोन इन इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड ट्रैवलर्स अकाउंट्स। जो भी हमारे इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड में बताया गया है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और ट्रैवल अकाउंट्स में बताया गया है, तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक लिंक हुआ करता था ट्रेड के लिए। अकॉर्डिंग टू जेवनीज एंड ओल्ड बलिनीज इंस्क्रिप्शन द फॉरन ट्रेडर्स व ऑल्सो नोन एज बनियागा एंड मर्चेंट बिल्ड एज बनीग्रमा। Most of the states that emerged in Southeast Asia during the 5th to 13th centuries adopted Hinduism and Buddhism, and some states adopted Sanskrit as their official language. ठीक है, जो बहुत सारे states emerged हुए थे साउथ ईस्ट एशिया के दौरान, जो हुए थे 5th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में, उन्होंने ज़्यादातर हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म को अपना एज ए रिलीजन माना था और कहीं कहीं पर संस्कृत को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था। बट द इंडियन इन्फ्लुएंस वॉज नॉट इम्पोज ऑन साउथ ईस्ट एशिया। द लोकल चीफ्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अडॉप्टेड इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ किंगशिप थ्रू इंडियन प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स। इन मेनी एशियंट इंडियन एंड टिबेटन लिटरेरी सोर्सेज द रीजन इन साउथ ईस्ट एशिया वर डिनोटेड बाय टर्म्स लाइक स्वर्णभूमि द लैंड ऑफ गोल्ड, स्वर्णद्वीपा द लैंड ऑफ गोल्ड, द आइलैंड ऑफ गोल्ड एंड यवद्वीपा एक्सेट्रा। तो इंडिया का नाम उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फेमस था उसके ट्रेड के लिए पहला, और उसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि स्वर्णभूमि हो गया, स्वर्णद्वीप हो गया, यवद्वीप एंड एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक नंबर वन पे, डिफ्यूजन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। यहाँ तक हमने जो है इंट्रोडक्शन जाना था, अभी देखते हैं कि ये वाला टॉपिक क्या कहता है। डिफ्यूजन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सम स्कॉलर्स लाइक जॉर्ज कोइट्स एंड स्टारगर्ट एक्सेट्रा बिलीव दैट प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वॉज थ्रू इट्स वेस्टर्न पार्ट और द ईस्टर्न कोस्ट। सम स्कॉलर्स, मतलब यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स दिए गए हैं जिनका मानना ये था कि जो भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन था वो हुआ करता था वेस्टर्न पार्ट या फिर ईस्टर्न कोस्ट के अंदर में। द अदर स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट देर वॉज वेरियस रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म फ्लरिशिंग ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज रूल्ड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया में है पहले हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म काफ़ी फ्लरिश हुआ था अर्ली मिडिवल पीरियड के दौरान, एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज रूल्ड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। हमको पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स और बड़े बड़े किंगडम्स ने भी इंडिया पर रूल किया था, चाहे वो नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो। मैंने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि कौन कौन से दो रूलर थे जिन्होंने रूल किया था पालास किंगडम के अंडर में, कमेंट करके बताना। हेंस नो पर्टिकुलर रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ इन इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअल शिप्स। द ग्रेटर इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1926। द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड हिस्टोरियंस लाइक वॉलेस वेल्स कंसिडर साउथ ईस्ट एशिया एज एन इंडियन कॉलोनी। तो ये वाला पैराग्राफ हमको क्या कहता है कि पहले तो हमने देखा था कि वहाँ पे हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो काफ़ी फ्लरिश हुआ था, और द ग्रेटर इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1926। ठीक है, एक नाम दिया गया था ग्रेटर इंडियन सोसाइटी। द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर एंड हिस्टोरियंस लाइक क्वारेट वेल कंसिडर साउथ ईस्ट एशिया एज एन इंडियन कॉलोनी। जो साउथ ईस्ट इंडियन है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया है, उसको कंसिडर किया था एज एन इंडियन कॉलोनी। According to this thought, the Indian rulers reached Southeast Asia in order to establish their kingdom and thus process of Indianization began. Another scholar George Coates commented that the Indian Brahmanas or other high castes from India legitimized the authority of local chiefs or sometimes established the control over the local population. अब यहाँ पे क्या बात हुई गई है, एक और स्कॉलर का नाम दिया गया है जो हमने पहले भी इसमें पढ़ा था, कि उन्होंने ये कहा गया है कि जो भी इंडियन ब्राह्मणास थे या फिर अदर हाई कास्ट के लोग थे इंडिया में, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को है जो है लेजिटिमाइज किया था और बहुत सारा लोकल पॉपुलेशन पे अपना कंट्रोल जमाया था।
The marital relations with their daughter also encouraged the process of Indianization. जो उनकी बेटियों के साथ जो marital relations होते थे, या तो obviously वो बड़े caste के अंदर ही शादी करवाते थे अपने बेटियों की, जिसके कारण होता था कि उनके और भी ज़्यादा power बढ़ जाती थी. The main drawback of the theory was that it projected the indigenous population as passive recipients of Indian culture and traditions. इसका एक drawback था कि जो indigenous population थी वो एक पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को दर्शाने लग गई थी. ठीक है, इंडिजिनस का मतलब हो सकता है कि जो भी स्मॉल टेरिटरी की पॉपुलेशन है, यानी कि स्मॉल कम्युनिटी की पॉपुलेशन आ जाती है हमारी, उसको दर्शाने, तो उसकी एक तरह से कल्चर और ट्रेडिशन पीछे छूट जाती थी. द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस कुड चेंज द डेमोग्राफिक सिनेरियो इन द साउथ ईस्ट, बट इट वॉज नॉट सो. ऑल्सो देयर वॉज नो साइन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन. तो वहाँ पे कोई भी ज़्यादा कह सकते हैं कि कोई स्कोप उतना नहीं था पॉलिटिकली और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का. द कास्ट सिस्टम वाज आल्सो एब्सेंट इन साउथ ईस्ट एशिया. तो वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में. दस बाय 1960s द इंडियनाइजेशन हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड. तो 1960s आते आते ये जो कॉन्सेप्ट था इंडियनाइजेशन का हाइपोथेसिस था, ये रिजेक्ट हो चुका था. अकॉर्डिंग टू स्कॉलर इट शोज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कल्चरल amalgamation as Indian traditional knowledge was reached there through traders and they found it appropriate for the administration in Southeast Asia. It was not the process of cultural colonization, but it can be referred to as localization of Indian culture in Southeast Asia. ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहते इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में ये बताया जा रहा है कि एक स्कॉलर के मुताबिक एक स्लो प्रोसेस ऑफ कल्चरल amalgamization देखा गया था, जिसके अंडर में इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज था जो ट्रेडर्स ने मतलब एक तरह से ढूंढ लिया था कि एक तरह का ट्रेडिशन कैसा होता है ट्रेडर्स के बीच में, और एक तरह की एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे चालू हो गई थी. कहाँ पे, हमारे साउथ ईस्ट एशिया पे. इट वॉज नॉट द प्रोसेस ऑफ कल्चरल कॉलोनाइजेशन, बट इट कैन बी रेफर्ड टू एज लोकलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर. यहाँ पे एक कल्चरल कॉलोनाइजेशन ना होते हुए बल्कि एक लोकलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो है वो स्थापित होने लग गया था. द रोल ऑफ क्षत्रियस वैश्यस एंड ब्राह्मणस वाज आल्सो एग्जामिन्ड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एक्सपेंशन इन साउथ ईस्ट एशिया. जो थ्री कास्ट, जो अपर कास्ट है थ्री, जो है क्षत्रियस वैश्यस एंड ब्राह्मणस, वो भी एग्जामिन्ड हुई थी इस पर्सपेक्टिव से कि इंडियन जो एक्सपेंशन था वो साउथ ईस्ट एशिया में कैसा होना चाहिए था. तो कॉन्क्वेस्ट आर कॉलोनाइजेशन एंड इंटरमैरिजेस बिटवीन इंडियन प्रिंसेस एंड डॉटर्स ऑफ लोकल चीफ्स, क्षत्रियस, क्षत्रिय लिखा है, स्प्रेड इंडियन इन्फ्लुएंस. खत्रिया शायद एक कास्ट होगी या एक वंश होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मेंशन नहीं किया है उसको, तो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे लिखा गया है इंटरमैरिजेस बिटवीन इंडियन प्रिंसेस एंड डॉटर्स ऑफ लोकल चीफ्स. तो जो इंटरमैरिजेस होती थी इंडियन प्रिंसेस, मतलब जो भी राजकुमार होते थे हमारे इसके हाई कास्ट के, और जो भी डॉटर्स होती थी लोकल चीफ्स की, उनसे उनकी शादियाँ हो जाती थी. हाउएवर दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड एज देयर वाज नो फोर्स अप्लाइड फॉर कल्चर असिमिलेशन. One exception was that of the naval victory of the Cholas against Sri Vijaya. According to N.J. Crome, the marriages of Vaishyas or trading class with local women was responsible for transmitting Indian culture. अभी क्या कह रहा है कि एक exception देखा गया था, वो था naval victory of Cholas against Sri Vijaya. Cholas जो एक kingdom था उसके against देखा गया था किसको, Sri Vijaya को. एक और scholar का नाम दिया गया यहाँ पे जो है N.J. Crome, उनके according क्या क्या वो क्या कह रहे हैं कि दो मैरिज होती थी किसकी, वैश्यास की या फिर ट्रेडिंग क्लास की विद लोकल वुमेन, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंडियन कल्चर. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन थॉट कुड नॉट बी स्प्रेड थ्रू दिस. अनदर थ्योरी स्ट्रेस्ड ऑन द प्रोपगेशन ऑफ इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया बाय लिटरेट ब्राह्मणस एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स हु रीच्ड देयर थ्रू द ट्रेडिंग, थ्रू द ट्रेड रूट्स. Sanskrit words in Southeast Asian language. They introduced the Sanskrit words in Southeast Asian languages. जो Buddhist monks थे उन्होंने introduce करवाया था Sanskrit words को किसमें, Southeast Asian languages में. हमें पता है कि Southeast Asian जो language होती है, जैसे कि तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, वहाँ पे कुछ ना कुछ Sanskrit words भी होते हैं. अभी भी हमने देखा है कि वहाँ पे जो भी इस region को belong करते हैं उन्होंने ये चीज़ notice करी होगी कि जो भी Sanskrit words हैं वो उसमें include किए जाते हैं. The Brahmana missionaries traveled with Indian merchants and travelers to the region. Thus, combined interaction of mainly Brahmanas and Vaishyas with Southeast Asian led to cultural adaptation. State formation in Southeast Asia. ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है. पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी डिफ्यूजन होते थे इंडियन ट्रेडिशंस के,
चाहे वो हमारे इंटरमैरिजेस हो गए या फिर जो भी एक्सेप्शनल केसेस हो गए या फिर जो भी हमारे इंडियन कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे होते थे वो इस कैटेगरी में आते थे। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है स्टेट फॉर्मेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। हम जानेंगे कि किस तरह से एक स्टेट यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल या तो रिलीजन के तौर पर या फिर लैंग्वेज के तौर पर कैसे साउथ ईस्ट एशिया में बना गया था। नॉट जस्ट ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, ऑल्सो सी फायरिंग कम्युनिटीज, रिलीजियस ग्रुप्स, स्कॉलर्स एंड पिलग्रिम्स कंट्रीब्यूटेड इन द स्टेट फॉर्मेशन थ्रू स्टिमुलेटिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स फैसिलिटेटेड द ट्रांजिशन ऑफ चीफडम्स इनटू नेसेंट स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। द किंगडम ऑफ वान, नाउ साउथ कंबोडिया एंड साउथ वियतनाम, इमर्ज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी सीई, वाज द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन स्टेट हैविंग अ गुड पॉलिटिकल बेस व्हिच इनकल्केटेड द इंडियन वोकैबुलरी एंड टेक्निकल नॉलेज। इट वाज आल्सो द फर्स्ट डायनेस्टी इन साउथ ईस्ट एशिया टू अडॉप्ट हिंदुइज्म एज अ स्टेट रिलीजन। अब यहाँ पे एक किंगडम दिया गया है जिसका नाम है फुनान, जो अभी है साउथ कंबोडिया में और साउथ वियतनाम के एरिया में। तो वो एक पहली हमने देखी गई फर्स्ट डायनेस्टी थी जिन्होंने हिंदुइज्म को एज अ स्टेट रिलीजन अडॉप्ट किया था। द अंगोर और खमेर एम्पायर अंडर द रूल ऑफ जयवर्मन 7 इंक्लूडेड वास्ट टेरिटरी कंप्राइजिंग मोस्ट ऑफ मॉडर्न थाईलैंड, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। जो खमेर एम्पायर है उसके जो रूलर थे जयवर्मन 7, उन्होंने भी एक वास्ट टेरिटरी कंप्राइज करी थी जो थी थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के रीजन में। श्री विजय लेटर इन्वॉल्व इन टू द शैलेंद्र एम्पायर, जो श्री विजय थे जिनके बारे में हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो उनके बारे में ये दिया गया है वो इन्वॉल्व थे किसमें, शैलेंद्र एम्पायर में। वॉज द ग्रेट सेंटर फॉर मरीन टाइम ट्रेड एंड कमर्शियल पावर। द किंगडम ऑफ मातरम इन सेंट्रल जावा अडोप्टेड बुद्धिज्म, जो एक किंगडम था मातरम और जो सेंट्रल जावा में पड़ता है, उन्होंने बुद्धिज्म को अडोप्ट किया था एज अ रिलीजन। एंड वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ राइस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज पैडी फेसेस ऑन द वोल्केनिक स्लोप्स, जो मतलब जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं कि जावा जो कि सेंट्रल जावा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो राइस के टेरेसेस हैं वोल्केनिक स्लोप पे पाए जाते थे। अकॉर्डिंग टू संस्कृत इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, मेनी रिलीजियस टीचर्स फ्रॉम गुजरात एंड गौर बंगाल रीच मातरम एंड हेल्प इट टू क्रिएट द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज इंडिजिनियस कॉइनेज हैविंग लोकल एंड इंडियन सिस्टम्स। अब कुछ संस्कृत इंस्क्रिप्शन के मुताबिक जो भी टीचर्स थे रिलीजियस टीचर्स गुजरात के और गौर यानी कि बंगाल के, उन्होंने मातरम कहाँ पढ़ता है हमारा, सेंट्रल जावा में, ठीक है, पहले पढ़ता था अभी नहीं पढ़ता, एंड हेल्प टू क्रिएट द फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन इंडिजिनियस कॉइनेज हैविंग लोकल इंडियन सिस्टम। तो जो भी इंडिजिनियस कॉइनेज था, जो भी हमारे इंडिया में पहले चलता था कॉइनेज सिस्टम, वो वहाँ पे भी एस्टैब्लिश हुआ गया था। द इंडियन इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ पॉपुलर साउथ ईस्ट एशियन फोकलोर दैट इज द हिंदू किंगडम्स इन द रीजन, ओरिजिनेटेड थ्रू द मैरिज बिटवीन एन इंडियन ब्राह्मणा नेम कौंडिन्या एंड अ लोकल नागा प्रिंसेस सोमा। जॉर्ज कोइट्स पुट्स एम्फेसिस ऑन कल्चरल डिपेंडेंसी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स ऑन इंडियन विच वॉज कॉज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म इन द रीजन। अब यहाँ पे एक फोकलोर का नाम दिया गया है जो थी एक मैरिज बिटवीन एन इंडियन ब्राह्मण और एक नागा प्रिंसेस जो जिसका नाम था सोमा, उनके बीच में जो मैरिज हुई थी वो भी एक फोकलोर में बताया गया है साउथ ईस्ट एशियन की। The religious traditions of India and conducive to the political aspirations of Sikhs who wanted to present themselves as secular and spiritual superior. In this regard, the role of Brahmin, priest and Buddhist monk is important. कौन से रोल में इंपॉर्टेंट है? स्पिरिचुअली सुपीरियर के तौर पे। जो भी ब्राह्मण प्रीस्ट होते हैं और जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनको सुपीरियर यहाँ पे बताया गया था सेक्युलरली एंड स्पिरिचुअली। हु हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द प्रेस्टीज एंड पावर इन एसेंचुएट देयर डिवाइन स्टेटस बाय रिलेटिंग देम टू द हिंदू और बुद्धिस्ट डेटीज। फॉर एग्जाम्पल, द इमेज ऑफ जयवर्मन 2 बियर्स अ स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस टू द इमेज ऑफ शिवा। तो एग्जाम्पल के तौर पर जयवर्मन 2 है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस रखते थे इमेज ऑफ शिवा से। Built a Shiva temple and after his death his image would be shown as incarnation of Shiva. Because of proving patronage by the rulers to Sanskrit and Brahmin priests, Sanskrit became the language used to define kingship. The suffix Varman, which was used by the South Indian rulers, was also adopted by Khmer rulers with the prefix containing the name of a Hindu god. जो भी जैसे कि जयवर्मन हो गया और दूसरे जो भी kingdoms हैं जिनके rulers हैं वो अपने नाम के बाद में वर्मन एज अ सफिक्स लगा रहे थे जो भी साउथ इंडियन रूलर्स थे। तो इसी ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए जो खमेर रूलर्स थे उन्होंने एक प्रीफिक्स
लगाना शुरू कर दिया अपने नाम के आगे, जो एक हिंदू गॉड को रिजेंबल करता था। द एस्पिरेशंस ऑफ रूलर्स वाज रिफ्लेक्टेड थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूज ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट डेटीज, ग्रैंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, अडॉप्शन ऑफ इंडियन नोशंस ऑफ किंगशिप, इशूइंग ऑफ स्क्रिप्चर्स इन टेम्पल्स एक्सेट्रा। All this confirms the Indian influence in Southeast Asia. Though there was no forceful imposition of Indian elements on Southeast Asia and existence of peaceful interactions, there was an exceptional case when the Cholas from South India attacked and defeated another naval power, the Srivijayas, and destroyed their cities. अब ये वाला पैराग्राफ क्या कहता है कि जो भी इंडियन इन्फ्लुएंस हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल रहा था साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन पे। तो इंडियन एलिमेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस साउथ ईस्ट एशिया के एग्जिस्टेंस से और पीसफुल इंट्रैक्शन से। पर वहाँ पे एक एक्सेप्शन के लिए केस ये आ जाता है कि जो चोलास थे साउथ इंडिया के, उन्होंने अटैक किया था और हराया था नेवल पावर को, कौन सी वाली, श्रीविजयास को, और डिस्ट्रॉय कर दिया था उनकी सिटीज़ को। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने पढ़ा है। अब हमारा अगला टॉपिक है चोला नेवल एक्सपेडिशन एंड द इन्वेजन ऑफ श्रीविजया। इन 850 CE, the glory of Chola Empire re-emerged under the reign of Raja Raja Chola and his son Rajendra Chola. तो ये दौर था 850 CE का, जब Chola Empire re-emerged हुआ था under the reign of कौन, राजेंद्र चोला और उनके फादर राजा राजा चोला के अंडर पे। In order to protect the economic rights of the trade guilds, Rajendra Chola defeated and captured the ruler of Srivijaya because Srivijaya kingdom was hurting the Chola commercial interests in the Malay Archipelago. The Chola invasion and the raids on Srivijaya along with 12 other port cities on the Malay Peninsula, Sumatra and Nicobar Islands are given in inscription Tanjavur Temple. अब जो राजेंद्र चोला थे उन्होंने हराया था और कैप्चर किया था रूलर श्रीविजया को, बिकॉज जो श्रीविजया थे उनका जो किंगडम था वो हर्ट कर रहा था चोला कमर्शियल इंटरेस्ट को। ठीक है, और जो भी चोला इन्वेजन आता है, जो भी चोला इन्वेजन था उसने रेड किया था किस पे, श्रीविजया और अदर 12 पोर्ट सिटीज ऑन द मले पेनिनसुला सुमात्रा एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि तंजावुर टेम्पल में एज एन इंस्क्रिप्शन मेंशन किया गया है। द इंसिडेंट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मले लिटरेरी वर्क्स सेजारा मलाऊ। It was said that the Srivijaya kingdom was giving a good relationship with the father of Rajendra Chola, Raja Raja I. Thus, the motive behind the invasion of Srivijaya by the royal son of Raja Raja I is yet to be understood. यहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उन्होंने कहा है कि it is yet to be understood. लेकिन पहले का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है ये देख लेते हैं कि जो मलय लिटरेरी वर्क्स था, जो सेजारा मलायु में हुआ करता था वो रिकॉर्ड क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंट इंसिडेंट। देर वॉज अ गुड रिलेशनशिप विद द फादर ऑफ राजेंद्र चोला एंड राजा राजा फर्स्ट, जो भी फादर और सन का रिलेशन था वो काफ़ी गुड रिलेशनशिप था। और बाय शोइंग द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मर्चेंट गिल्स एंड चोला पॉलिटी, मीरा सजेस्टेड दैट द मर्चेंट गिल्स वर एक्टिवली एंगेज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज एंड एंजॉयड अ सोर्स ऑफ मोनोपोली ओवर ट्रेड। ये वाला पैराग्राफ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहते हो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में ये बताया गया है कि जो भी ट्रेड इंगेज था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी थी वो एक तरह से अपना इंजॉय कर रहे थे मोनोपोली ओवर ट्रेड को। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एज ए नोट्स कंसिडर कर सकते हो, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आंसर में इंक्लूड करते हो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको भी और एग्जामिनर को भी। तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने क्या क्या हाईलाइट किया है और क्यों हाईलाइट किया है। ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड ट्रेड गिल्ड्स सच एज द मणिग्रमान, नाना देसी, वलंजियार, अयाहोल, अनुरुवन एक्सेट्रा वर पावरफुल एंड रिसोर्सफुल। दे इवन लेंड मनी टू चोला रूलर्स। तो कुछ यहाँ पे हमारे ट्रेड गिल्ड्स के नाम दिए गए हैं जो कि बहुत पावरफुल थे और रिसोर्सफुल थे, तो उन्होंने पैसे दिए थे उधार पे किसको, चोला रूलर्स को। दस कमर्शियल लिंक्स वर एसोसिएटेड डायरेक्टली विद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, सिंस टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन ट्रेड गुड्स कंट्रीब्यूटेड एज अ मेजर सोर्स। ठीक है, चलो of revenue of the state. Hence, in order to facilitate Indian commercial interests, Rajendra Chola established permanent military garrisons in Srivijaya and Angkor kingdoms. He also married Uram Q, the daughter of Vijayottu
गवर्नमेंट द रूलर ऑफ श्रीविजया। तो जो हमारे चोला रूलर थे यानी कि राजेंद्र चोला, उन्होंने एक मिलिट्री गैरिसन एस्टैब्लिश किया था श्रीविजया में और अंगूर किंगडम्स में। ही ऑल्सो मैरिड कौन, द डॉटर ऑफ दिस वन, और उस डॉटर का नाम क्या था, वो नाम क्यू। ओके, वीरा राजेंद्र चोला ऑल्सो हेल्प श्रीविजया इन 1068 ड्यूरिंग द केदा रिबेलियन। डिस्पाइट दिस, इन द ऑफिशियल चाइनीज रिकॉर्ड द चोलास वर रॉन्गली डेजिग्नेटेड एज श्रीविजया वेसल स्टेट। द कंफ्यूजन एम्बेसडर्स, सॉरी, द कंफ्यूजन माइट बी डिलिबरेटली कॉज्ड बाय द एम्बेसडर्स ऑफ श्रीविजया एट चाइनीज कोर्ट। तो यहाँ पे चाइनीज रिकॉर्ड्स में भी बताया गया है कि ये जो हुआ था, जो भी श्रीविजया और राजेंद्र चोला के बीच में जो भी बहस हुई थी, वो चाइनीज रिकॉर्ड्स में बताया गया है। लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजन है कि जो भी चाइनीज रिकॉर्ड है वो उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है एज कम्पेयर टू हमारे इंडियन वाले। ओके, दस इन दिस पीरियड साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स वर कनेक्टेड ग्लोबली थ्रू फ्लरिशिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मरीन ट्राइब ट्रेड एंड दस हैड इमर्ज्ड इनटू मेजर मरीन टाइम पॉलिटिकल पावर्स इन द रीजन। द चोलास डिड नॉट एस्टैब्लिश एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर श्रीविजया किंगडम, दे ओनली प्लंडर्ड द वेल्थ। तो जो चोला रूलर्स थे उन्होंने कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया था श्रीविजया किंगडम पे, और उनका सिर्फ मोटिव ये था कि जो भी वहाँ की धनराशि है, जो भी वेल्थ वगैरह है, उसको प्लंडर करें, उसको अपने कब्जे में ले लें। आर्ट एंड लिटरेचर, द इंडियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड साउथ ईस्ट एशिया विद सम लोकल अडैप्टेशंस। द लोकल क्राफ्टमैन एंड आर्टिस्ट इनकॉर्पोरेट लोकल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स इन देयर आर्टिस्टिक इन्वेडर्स। फॉर एग्जाम्पल, द जैवनीज इमेज ऑफ गणेशा वर ऑफन डिपिक्टेड ऑन द सीटेड ऑन अ थ्रोन डेकोरेटेड विद अ रो ऑफ स्कल्स। सिमिलरली विद द अराइवल ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पोनागर, द गॉडेस मदर ऑफ द चार्म वॉज ओरिजिनली एंड इंडिजिनस फॉर्मलेस गॉडेस दैट वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू शिवा शक्ति बट नॉट एज उमा और पार्वती। शी वॉज गिवन अ न्यू टाइटल भगवती कौथेश्वरी। यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस के नाम दिए गए हैं। पहला है हमारे पास जैवनीज इमेज ऑफ गणेशा, दूसरा है पोनागर द गॉडेस मदर ऑफ द चर्म, और जो है ट्रांसफॉर्म हुई थी इनटू शिवा शक्ति बट नॉट एज उमा और पार्वती। इट वाज अ न्यू टाइटल गिवन टू हर दैट वाज भगवती कौथेश्वरी। ओके, इन द स्तूपा आर्किटेक्चर एंड मेवा इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विद इंडिया श्रीलंका कंबोडिया इंडोनेशिया एंड चाइना आर ऑब्जर्व दैट रिजल्टेड इन अ न्यू स्टाइल एंड फॉर्म इन एन आर्ट एंड आर्किटेक्चर विच इज कॉल्ड मैन मरीज। ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट इन द लेट गुप्ता स्टाइल द नट लॉन्ग क्योंग टेम्पल द आनंदा पगोदा टेम्पल आर द फेमस एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे कुछ टेम्पल के नाम भी दिए गए हैं हमारे पास और कुछ ट्रेडिशंस के नाम भी दिए गए हैं। तो आई होप ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। फ्रॉम द 7th टू 14th सेंचुरी मेनी हिंदू टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन कोस्टल प्लेन्स ऑफ चंपा बाय द रूलर्स ऑफ सियान मॉडर्न थाईलैंड। इन 875 CE किंग इंद्रवर्मन सेकंड हु प्रैक्टिस्ड महायान बुद्धिज्म बिल्ट अ ह्यूज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट डोंग डोंग। सियान इनहेरिटेड हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म फ्रॉम द खमेर एम्पायर। जो सियाम था, रूलर्स ऑफ सियाम थे और किंग इंद्रवर्मन थे, उन्होंने प्रैक्टिस की थी, जिन्होंने प्रैक्टिस करी थी महायान बुद्धिज्म, उन्होंने एक काफ़ी ह्यूज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बिल्ड करी थी डोंग ड्योंग में। सियाम इनहेरिटेड बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म फ्रॉम द खमेर एम्पायर। सियाम ने सियाम के जो रूलर्स थे उन्होंने खमेर एम्पायर को ध्यान में रखते हुए बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को अपना रिलीजन एक्सेप्ट किया था। द फेमस अंगकोर वट बिल्ट बाय सूर्य वर्मन सेकंड द रूलर ऑफ द खमेर एम्पायर इन हिज कैपिटल सिटी अंगोर डेडिकेटेड टू विष्णु इन हिज लास्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड। ओके, तो हमारे पास एक और इंस्क्रिप्शन का नाम आ जाता है जो कि है इंस्क्रिप्शन ऑफ विष्णु, जो है लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। और अंगकोर वट बिल्ट बाय सूर्य वर्मन। कौंडिन्या एंड सोमा अ नागा प्रिंसेस। कौन सी नागा फिगर बिकेम डोमिनेंट मोटिव इन द डेकोरेटिव आर्ट बिकॉज ऑफ अडॉप्टिंग द स्टोरी ऑफ कौंडिन्या एंड सोमा अ नागा प्रिंसेस। जो हमने स्टोरी पहले लिटरेचर वाले टॉपिक में पढ़ी थी वो सी इंस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है। द शैलेंद्र रूलर्स हु रूल्ड फ्रॉम सेंट्रल
जावा एंड सुमात्रा बिटवीन 750 टू 850 CE वर द फॉलोअर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म. दे बिल्ड एन इम्पोजिंग स्तूपा इन द 9th सेंचुरी एट बोरोदुबुर विच इज स्टिल कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड. जो महायाना बुद्धिज्म के जो फॉलोअर थे उन्होंने एक और स्तूपा जो है इम्पोज किया था 9th सेंचुरी में एट बोरोबुदुर जो कि लार्जेस्ट बुद्ध स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में. इंडोनेशिया लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय रकई पिकतन द रूलर ऑफ हिंदू संजय डायनेस्टी. द मोनास्ट्री एट नालंदा वॉज बिल्ट बाय किंग सुवर्णद्वीप एंड जावा भूमि कॉल्ड बालक पुत्र देवा फॉर द रेसिडेंस ऑफ स्कॉलर्स कमिंग फ्रॉम जावा टू स्टडी एट द नालंदा महावीरा. यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ गया होगा आपका. आर्किटेक्चर वाला टॉपिक जो है जिसमें कितने इंस्क्रिप्शंस हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे. ठीक है ओके. अब हमारा लास्ट टॉपिक है लिटरेचर एंड ड्रामा. द संस्कृत लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्राह्मणा प्रीस्ट प्लेड अ मेजर रोल इन स्टेट फॉर्मेशन ऑफ मेनी साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स एज संस्कृत टर्म वॉज यूज टू नेम देयर किंग्स एंड प्लेसेस. अब जो भी संस्कृत लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी हमारे पुराने वाले इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा टर्म्स दिए गए थे किंग्स को और प्लेसेस को कौन से संस्कृत लैंग्वेज में ही. द संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर वर गिवन पैट्रोनेज बाय किंग्स. द संस्कृत इंस्क्रिप्शंस प्राइमरली डील विद पॉलिटिकल एक्टिविटीज विद द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म. द बुद्धिस्ट पेडागोगल कोकिकल टेक्स्ट वर इंट्रोड्यूस्ड. द कावी स्क्रिप्ट ओल्ड जावनी स्क्रिप्ट पॉपुलर ड्यूरिंग द 8th टू 16th सेंचुरी वॉज लोकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ संस्कृत राइटिंग सिस्टम. संस्कृत और पाली वर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ सम साउथ ईस्ट एशिया किंगडम सच एज द्वारावती श्रीविजया एक्सेट्रा. तो जो संस्कृत और पाली लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित लैंग्वेज हुआ करती थी उस टाइम पे और काफ़ी ज़्यादा किंगडम्स में जिसकी द्वारादीपा श्रीविजया एक्सेट्रा में ये लैंग्वेज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर दिया गया था. द इम्पैक्ट ऑफ रामायण एंड महाभारत इज क्लियरली विजिबल ऑन द कल्चर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. फॉर एग्जाम्पल इन म्यांमार द रामायण इज नोन एज यमायाना. Likewise, in Thailand, it is also called Ramaki, and it is the country's national epic. तो यहाँ पे हमारे पास जो है रामायण और महाभारत वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी साउथ ईस्ट एशिया में और जिसको थाईलैंड ने एज अ नेशनल एपिक कंसिडर कर लिया था जो है रामकीन और म्यांमार में इसी को बोला जाता है यमायाना. हिंदू लिटरेरी वर्क सच एज द वेदास पुराणा धर्मशास्त्र दैट ग्रामर ऑफ पाणिनि द सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एक्सेट्रा. जो हमारे वेदास हो गए पुराण हो गए धर्मशास्त्र हो गए और ग्रामर ऑफ पाणिनि हो गया और सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी हो गया वो भी इसमें आ जाते हैं. कौन से टॉपिक में? लिटरेरी एंड ड्रामा में. सूर्यवर्मन वर्स वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर हैविंग नॉलेज ऑफ वेदास. जो सूर्यवर्मन फर्स्ट थे यानी कि वहाँ के जो किंग थे कहाँ के कमेंट करके बताना ओके. तो उन्होंने उनको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी वेदास की. म्यांमार कोर्स ऑफ लॉ बगारू धर्मसत्ता ग्रेटली इनकॉर्पोरेटेड द कोर्स प्रिस्क्राइब इन द मनुस्मृति. ओके चलो ये था हमारा आज का टॉपिक और आई होप आपको ये तीनों पेज के जो भी रिटन वर्क है समझ में आ गए होंगे हमारे पास जितने भी टॉपिक्स थे और काफ़ी वीडियो हिंदी हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में बोलूँगी. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ 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 उस लाइक बटन को हिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द हिस्ट्री की क्लास. एंड तब तक के लिए गुड बाय सी यू और अगले वीडियो के लिए इंतजार करना और मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय.